जो पावर बी आई आप खोलते हैं, ये पावर बी आई का फर्स्ट लुक है। अगर आपने पावर बी अपडेट नहीं किया होगा तो पावर बी आई का एक अलग लुक दिखेगा, लेकिन ये फर्स्ट लुक है। अब इसके बाद मुझे अगर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है तो क्या करना होगा? सबसे पहले डेटा को कनेक्ट करना होगा। जी हाँ, डेटा पावर बी आई में लेके आना। पावर बी आई का अपना कोई डेटा नहीं होता, लेके आना। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीख रहे हैं पावर बी आई, डेटा एनालिसिस विद पावर बी आई। तो यहां हम इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे और अपने लोकेशन पे जाएंगे, कोई भी एक डेटा को सिलेक्ट करेंगे जो डेटा आपको यूज करनी है अपनी रिपोर्टिंग में। तो इसके बाद उस डेटा के अंदर जितने भी शीट्स होंगे वो शीट्स यहाँ पे दिखेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे उसके डेटा को देखना है कि डेटा में कोई फालतू का कॉलम वगैरह तो नहीं है। अगर फालतू का कॉलम वगैरह है तो फिर इसको हमें पावर क्यूरी पे लेके जाना होगा इसको सही करने के लिए। फिर हम इस पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। अभी देखिए आपको लोड ट्रांसफॉर्म कोई एक्टिवेट नहीं है, जब इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स, अब हो सकता है कुछ मिनट भी लगे, ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है और आपका डेटा कितना है। अब जैसे ही हमने किया, आप यहाँ देखेंगे फील्ड वाले टैब में यहाँ डेटा के सारे फील्ड्स हैं। अगर आपको डेटा देखना है तो यहाँ तीन व्यू होता है, रिपोर्ट और ये होता है हमारा डेटा। डेटा व्यू में आप आएंगे तो यहाँ पे आप अपना डेटा भी देख सकते हैं। हाँ, इसमें कॉलम वगैरह ऐड वगैरह भी कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे आया। अब ये आपकी विजुलाइजेशन होती है और ये आपका फील्ड है। पिवट टेबल की तरह यहाँ से विजुलाइजेशन चूज करनी है, जैसे कि मुझे चूज करना है पाई चार्ट। तो हमने यहाँ पे पाई चार्ट लिया और पाई चार्ट के ऊपर अपना जोन डाल दिया कि भाई जोन वाइज हमारी क्या सेल है। लेकिन क्या जोन डाला, अब इसमें मुझे डालना होगा जिसकी आपको संख्या चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी है, जो भी एक संख्या होगा वो डाल दीजिए। उसके बाद इसको चाहो तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और कहीं पे उठा के मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। अब मुझे एक बार और ए वाली चार्ट चाहिए। इस चार्ट के अंदर में भी मैं अपनी यहाँ पे प्रॉफिट को रख देता हूं ताकि पता तो चले कि हमारे टोटल प्रॉफिट कितनी हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज। और उसके अलावा यहाँ पे इसी तरह से हम अपना जो भी विजुलाइजेशन है वो विजुलाइजेशन उठा के रखते जाएंगे, और मुझे इससे रिलेटेड जो चार्ट्स है वो चार्ट्स बनते जाएंगे, और चार्ट को हम बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। आप चाहते हैं कि मुझे डेटा भी चाहिए होगा, तो डेटा अगर टेबल मैट्रिक्स टेबल फॉर्मेट में चाहिए होगा तो हम यहाँ रख सकते हैं कि कैटेगरी और कस्टमर। तो कस्टमर को यहाँ कॉलम में रख दिया और क्वांटिटी सोल्ड यहाँ रख दिया, तो ये आपकी टोटल टेबल भी आ गई कि किस कस्टमर की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। उसके बाद मुझे कुछ और चाहिए, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ अपना कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज सेल्स वैल्यू, तो सब कैटेगरी वाइज सेल्स वैल्यू का भी हमारा यहाँ पे चार्ट बन गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे डेट वाइज फ्लो चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिया और इसमें डेट को डाला और यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू को डाला, और यहां से देखिए एक बुनका दिख रहा है क्योंकि 2000 ईयरली हो गया, इसलिए तो मैं यहाँ पे इसको क्वार्टरली, इसको मंथली और इसको डेली पे कन्वर्ट कर दिया, तो आपका ये बन गया। इसको छोटा कीजिए, यहाँ रखिए, तो आप देख सकते हैं कि विजुलाइजेशन कितनी जल्दी बन रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कोई आसानी से बन जाती, कभी कभी हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें लेनी पड़ती है, तो हम इसके अंदर डेटा के अंदर कैलकुलेशंस, मेजर्स और बहुत सारी चीज करनी पड़ती है। ये सारी चीजें आप ऐसे वीडियोज में नहीं सीख सकते, क्योंकि तो कहावत है कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है। तो फटाफट मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक iptindia.com, और वहां पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भरे और मेरे साथ कंप्लीट पावर बीआई सीखे। थैंक यू।